हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि कंपनी का कैसे हमें सेटअप करना है, यानी कि हमें अपनी कंपनी की डिटेल को कैसे मेंशन करना है। जैसे हमारी कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये बेसिक डिटेल्स हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको आना है 3 डॉट पे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 डॉट पे, जैसे शुरू में आपने देखा, तो यहाँ 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं मैनेजमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। और मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे लास्ट में ही आपको दिखाई देगा माय कंपनी। आप माय कंपनी पे क्लिक करेंगे और माय कंपनी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की डिटेल को डालना है। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कंपनी डिटेल डाल देता हूँ, तो दोस्तों नेम में आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे, उसके बाद टैक्स नंबर में जो भी आपका जीएसटी नंबर है, अगर है दोस्तों तो डालना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें ऐसे एग्जांपल के लिए डाल दिया। और फिर उसके बाद स्ट्रीट नेम में दोस्तों आपको एड्रेस मेंशन करना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने मेंशन कर दिया शॉप नंबर, उसके बाद दोस्तों बिल्डिंग नंबर डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो। अगर आप यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे तो इसकी खास जरूरत पड़ेगी नहीं। एडिशनल कोई स्ट्रीट नेम है, एडिशनल कोई एड्रेस है उसके लिए, प्लॉट आइडेंटिफिकेशन है जो खसरा नंबर डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिए दोस्तों यहाँ पे, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट डाल दिया दिल्ली, पोस्टल कोड डाल दिया मैंने यहाँ पे, इस तरीके से आप पोस्टल कोड को डाल देंगे। और फिर उसके बाद सिटी अपनी बता देंगे, जो भी आपकी सिटी आती है। उसके बाद स्टेट, तो स्टेट भी यही आता है दिल्ली का। और दोस्तों यहाँ कंट्री में आपको कंट्री डालना है, तो यहाँ पे जैसे हमारा इंडिया है तो हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद ईमेल आईडी। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, मोबाइल और ईमेल आईडी डालना चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स जो आपके बिल पे शो होगी, अगर लोगो है तो लोगो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए जैसे लास्ट में आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ और जहां पर भी मेरा लोगो रखा है, सपोज ये लोगो है मेरा, तो मैंने इस पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे मेरा लोगो भी आ गया। अब इस तरीके से दोस्तों आपको वॉइड रीजन पे आना है। अब यहाँ पे वॉइड रीजन, कोई ऑर्डर अगर कैंसिल होता है या कोई स्पेशली कुछ आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रीसेट डेटाबेस पे आकर आपका जो डेटा है वो यहाँ पे सेव हो रहा है सी डॉक्यूमेंट अरोनियम बैकअप के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल आपको अपनी कंपनी डिटेल को फिल करना है और सबसे ऊपर ही सेव का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। तो आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा कि क्या है, आपकी कंपनी सेव हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी कंपनी का सेटअप हो चुका है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमें प्रोडक्ट बनाना है, कैसे हम जो है उसकी डिटेल को समझे, ग्रुप कंपनी वगैरह उसको समझे। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि आगे की वीडियो आपको तरीके से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।